आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक जिसका नाम है शिक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ टीचिंग। हमने पिछली क्लास में आपको टीचिंग फॉर्मूलाज के बारे में बताया था कि जो शिक्षण सूत्र हैं उनके माध्यम से कैसे बच्चों को शिक्षण दिया जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे कि शिक्षण के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो शिक्षण के प्रकार हैं उनको कई भागों में बताया गया है। अगर प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर हम शिक्षण के प्रकार देखें तो ये औपचारिक और अनौपचारिक भागों में बटे हैं, और मुख्यतः ये दोनों ही प्रमुख हैं। मुख्यतः इन पर ही चर्चा की जाती है कि औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। लेकिन देखिए, कुछ और हमें यहाँ पे मिले हुए हैं जिसमें हम देखें स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर कैसे हम शिक्षण कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आपके अधिगम के आधार पर, चौथा आपके शासनिक व्यवस्था के आधार पर, क्रिया के आधार पर शिक्षण के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो क्या है इनके बारे में हम क्या थोड़ा थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण जो हमारे जो शिक्षण के प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मेन रूप से जो प्रमुख हैं वो सिर्फ ये दो ही हैं। लेकिन क्या है, ये भी जो मैंने आपको आगे बताए हैं ये भी क्या है, किताबों में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो पहला जो हमारा है, प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के क्या प्रकार है। अगर पूछ लिया जाए कि औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षण व्यवस्था है या शिक्षण के जो प्रकार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्वरूप के अंतर्गत आते हैं या प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, या फिर आपके अधिगम के आधार पर है, या फिर आपके प्रबंधन के आधार पर। तो किसे लगाएंगे हम, प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। अब देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है। देखिए, औपचारिक शिक्षा जो होती है औपचारिक रूप से दी जाए, जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो क्या है, संस्थान है, क्या है, हमारे शिक्षण संस्थान है। वहाँ पर क्या है, नियम होते हैं, कानून होते हैं, कायदे होते हैं, तो उसमें रहकर क्या है, हमें अपनी शिक्षा को पूरा करना होता है ना। तो उसमें देखिए, आपको टाइम से कॉलेज आना पड़ेगा, टाइम से ही आपको टाइम टेबल होगा, उस हिसाब से क्या है आपके पीरियड्स लगते हैं, है ना, कि आपका हिंदी का कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश का कब बढ़ाया जाएगा। तो उसमें क्या, सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से होती हैं। तो व्यवस्थित रूप से जहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें नियम होते हैं, तो वो कौन से आपके उस पर आएंगे, औपचारिकता के आधार पर आते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर देखने को मिलती है जो औपचारिक औपचारिक जो शिक्षा दी जाती है, तो उनमें शिक्षण कार्य जब किया जाता है तो जब रिजल्ट आता है तो क्या है, उन्हें मार्कशीट दी जाती है। तो जो औपचारिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उन्होंने क्या सीखा, उसको क्या है मार्कशीट के दौरान आपको बताना कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, डिग्री प्रदान करना। अगर सामान्यतः भाषा में बोलें, मुख्य उद्देश्य है डिग्री देना, किसका, औपचारिक शिक्षा का, ठीक। अब चलिए इसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं कि औपचारिक शिक्षण व्यवस्था नियमों से प्रतिबंधित होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि शिक्षण संस्थान में जो होते हैं बच्चे, वहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं, तो उसमें नियम कानून होते हैं कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, कैसे आपको व्यवहार करना है ना, कौन सी क्लास में बैठना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जिसमें नियम हैं, है ना। तो ये आती है आपके औपचारिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत विद्यालयों में संपादित प्रत्येक व्यवस्था, देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, व्यवस्थित रूप से हर चीज़ की जाती है। सुबह अगर मान लीजिए आपका 7 बजे से स्कूल है, तो बच्चों को 7 बजे ही एंट्री मिलेगी। उसके बाद जितने भी आपके जो वो होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जाएगा, किस घंटे में क्या पढ़ाया जाएगा, तो उनको एक एक करके डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होती है, कुछ टाइम बिता के बच्चे वहाँ पर वापस घर पर लौट आते हैं। ये तो होता है शिक्षा संस्थानों में कि सुबह बच्चे जाते हैं, फिर दोपहर तक बच्चे आ जाते हैं। किसी स्कूल की टाइमिंग अलग होती है, किसी स्कूल की टाइमिंग अलग होती है। तो औपचारिक संस्थान का एक तरह से मतलब कहा जाए कि हर शैक्षणिक जो संस्थान होता है उसके अपने अलग अलग नियम कानून होते हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम आपको देखने को मिला है, CBSE का अलग है, AP बोर्ड का अलग है, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसमें कैसे पता चलता है कि हमने बच्चों को शिक्षा दी है, इसमें क्या है, मार्कशीट प्रदान की जाती है। ये डिग्री प्रदान करने की क्या है, औपचारिकता को निभाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पूर्व नियोजित एवं कार्यक्रम इसमें होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इसमें सभी क्या है, औपचारिक रूप से होंगे। अब बात करें अनौपचारिक, तो देखिए इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसमें क्या, बच्चा घर पर रहकर भी सीख सकता है, अपने माँ बाप से सीखता है, सगे संबंधियों से सीखता है, भाई बहनों से सीखता है, यहाँ तक कि आस पड़ोस से भी सीखता है,
है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपको चार दीवारी हो, जैसे शिक्षण संस्थान होता है ना, एक रूम होना चाहिए, वहाँ पे सारे शिक्षक जो शिक्षण कार्य के जितने भी उपकरण हैं सब उपलब्ध हों, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और देखिए, जो अनौपचारिक जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, मनुष्य जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक क्या है वो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही क्या है शिक्षा को ग्रहण करता है। तो ये सतत प्रक्रिया है ना। और जो औपचारिक शिक्षा है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। रुकने से तात्पर्य यह है कि जहाँ उसकी शिक्षा पूरी हुई, जहाँ उसको डिग्री मिल गई और जहाँ उसका लक्ष्य पूरा हुआ, तो वो किताबी ज्ञान वहीं तक रहता है, फिर उसे जॉब करनी है, ठीक है। लेकिन जो हमारी अनौपचारिक जो शिक्षा है वो हमारे जीवन पर्यंत तक चलती है। तो अनौपचारिक का मतलब ही है, इसमें कोई औपचारिकता का अंश मात्र भी नहीं होता। तो अब देख प्रदेश के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्था की तुलना में स्वतंत्र पद्धति की होती है। मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, जैसे औपचारिक जो शिक्षण होता है, जो शिक्षा होती है, उसमें क्या है व्यवस्थित नियम कानून होते हैं, बस उनका पालन हर किसी को करना ही पड़ता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, अनौपचारिक में से कोई ना तो नियम होते ना कानून होते। इसमें बच्चा क्या है अपने मम्मी पापा से ही बातें अच्छी सीख रहा है, भाई बहनों से कुछ सिखा रहे हैं तो उनसे सीख रहा है, दादा दादी से चीज़ें सीख रहा है, पास पड़ोस में सीख रहा है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या कि अच्छी चीज़ भी सीखते हैं गलत चीज़ भी सीखते हैं, तो यहाँ पर जो उत्तरदायित्व वो माँ बाप का बनता है, भाई बहनों का बनता है कि वो अपने भाइयों को बहनों को या अपने बच्चों को क्या है अच्छी शिक्षा दें, उनके सामने अच्छा बोलें, कोई भी ऐसे अपशब्द ना बोलें जिससे उसके दिमाग में गहरा प्रभाव पड़े और फिर वो दूसरों से बोले, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की बाधाएँ नहीं होती, यानी कि जब नियम ही नहीं है तो बच्चों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, और ना इसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जैसे परिवार में रहकर शिक्षा, मैंने आपको बताया कि परिवार में रहकर जो शिक्षा की जाती है जो अनौपचारिक होती है, जिसमें कोई डिग्री का कोई नियम ही नहीं होता कि बच्चों को डिग्री प्रदान की जाए, नहीं, ये क्या है घर में रहकर हम सीखते हैं। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पर लिखा है पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, इसके अंदर में पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम और इग्नू द्वारा संचालित शिक्षण कार्यक्रम भी लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ लोग क्या है जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है उसको अनौपचारिक की जगह क्या कहते हैं निरौपचारिक, है ना, कि ये निरौपचारिक शिक्षण व्यवस्था है, हालांकि है ये किसका अंग आपके औपचारिक का। मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया है ताकि कोई स्टूडेंट ये ना कहने लगे कि आप निरौपचारिक का उदाहरण बता रही हो, है इसी का अंश किसका अनौपचारिक का। तो इसमें क्या है दूरस्थ शिक्षा को भी शामिल कर सकते हैं, जो आपकी इग्नू है वो कैसी शिक्षा है दूरस्थ शिक्षा है, ठीक है, यानी कि इसमें इस दूरस्थ से क्या तात्पर्य है जो विद्यार्थी क्या है आ नहीं सकते शिक्षण संस्थानों में आ नहीं सकते, तो उनके लिए कैसी व्यवस्था की गई है डिजिटलीकरण किया के माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए, तो वो किसके अंतर्गत आएगी हमारी निरौपचारिक या अनौपचारिक के अंतर्गत आएगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो अनौपचारिक है उसमें कोई नियम कानून प्रतिबंध जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसमें बच्चा क्या खेल कूद में सीख सकता है, परिवार में रहकर सीखता है, और क्या ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसमें कोई पुरस्कार या दंड नहीं दिया जाता। हालांकि जब बच्चे गलत कार्य करते हैं तो उन्हें समझाया जाता है, तो लेकिन ये जैसे औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, जैसे बच्चे ने अगर टॉप किया है क्लास में तो उसे प्राइज मिलता है, मेडल मिलता है, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो प्रबंधन के आधार पर मैंने आपको औपचारिक शिक्षा के विषय में बताया कि जो औपचारिक होती है वो शिक्षण संस्थानों में दी जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा के आधे शिक्षण संस्थानों में ना देकर परिवार में या दूर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को प्रदान किया जाता है, ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। अब चलते हैं कि स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर कैसी शिक्षा के प्रकार हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि वर्तमान में शिक्षण व्यवस्था के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान ढूंढना, उनका हल किस प्रकार किया जाए, इस पर इस व्यवस्था पर आधारित शिक्षण व्यवस्था को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर क्या कहा गया, वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में कई समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो उनका हम समाधान कैसे प्रस्तुत करें, उनका हम निदान कैसे प्रस्तुत करें,
तो इसके आधार पर भी क्या है शिक्षण को बांटा गया है, यानी कि वर्गीकृत किया करा गया है। अब कैसे किया गया वो देख लेते हैं कि कॉलेज से शिक्षार्थियों का पलायन, यानी कि जो कॉलेज से शिक्षार्थियों का पलायन हो कैसे रहा है इसके बारे में, इस समस्या का हमें निदान निकालना है, इसके हल को ढूंढना है। दूसरा क्या, शिक्षक और शिक्षार्थियों में अनुपात। देखिए किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि बच्चे तो अधिक हैं पर टीचर ही नहीं है। अब भाई इसमें टीचर की भी क्या गलती, जब नियुक्ति ही नहीं हो रही तो टीचर कहाँ से आ जाएंगे, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट जब जॉब ही नहीं देगी तो टीचर खुद थोड़ी ना आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पहलुओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो अधिगम के आधार पर कैसे हम शिक्षा के प्रकार को देखते हैं कि किसी भी कक्षा में शिक्षक का यह पहला कर्तव्य है कि वह कक्षा के प्रत्येक कोने तक अपनी शिक्षण व्यवस्था को पहुंचाए। आजकल शिक्षण के समावेशी रूप पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें एक अध्यापक के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी समान है, चाहे वह सामान्य हो या विशिष्ट हो, सभी समावेशी शिक्षण के अंतर्गत समान अधिगम करेंगे। मैंने आपको पहले ही क्लासों में बताया है कि अच्छा शिक्षण कार्य वही संभव होगा जब जो शिक्षक है सभी से कैसे व्यवहार करेगा समान। ये नहीं कि वो सिर्फ जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में उनको ही पढ़ाए, नहीं, यहाँ उसकी योग्यता की जांच नहीं होती। उसकी योग्यता की जांच कब कब होगी, जब वो जो निम्न स्तर के जो बच्चे हैं जिनकी मानसिक स्थिति निम्न है, अगर वो उनको आगे निकाले तो यहाँ पर जो शिक्षक है उसकी योग्यता यहाँ पर नापी जाएगी, और यही तो उसके लिए गर्व की बात होगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि टीचर को जो है कि सबको सिखाना है, चाहे वो एवरेज बच्चा हो या टॉपर बच्चा हो या लो बच्चा हो, है ना, सबको सिखाना है। यहाँ पर ये क्या है, एक टीचर का उत्तरदायित्व तो बनता है। ठीक है, अतः अधिगम के आधार पर भी शिक्षण व्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या है, अधिगम के आधार पर भी शिक्षा को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे एक तो हो गया सामान्य स्टूडेंट, उसमें वर्गीकरण कर लिया। दूसरा हमारे विशिष्ट जो टॉपर मैंने आपको बताया, तीसरे आपके होते हैं जो लो होते हैं। लो से मतलब है जिनकी जो मानसिक क्षमता, मतलब वो होते तो समझदार हैं पर उन्हें क्या होता है, चीज़ें उन्हें धीमी धीमी समझ में आती हैं, वो जल्दी कैच नहीं कर पाते। तो उन बच्चों को आगे निकालना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है ना। तो इसमें वो बात कही गई है। अगला हम प्रकार देखें तो शासनिक व्यवस्था के आधार पर कैसे ऐसे बांटा गया है। तो भारत को वर्तमान शिक्षण व्यवस्था शासनिक व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत की गई है। भारत की जो वर्तमान की जो शिक्षण व्यवस्था है उस वो किस पर आधारित है, प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, आज से पूर्व चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल, ठीक है, उसमें क्या शासनिक हस्तक्षेप प्रत्येक समय में रहा है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा हस्तक्षेप एवं बाधाओं से मुक्ति होती है और शिक्षार्थियों का अधिगम में स्वतंत्रता मिलती है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो शासनिक व्यवस्था के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी होती है, बाधाओं से मुक्त होती है। अगर जैसे शिक्षण संस्थान में कोई दिक्कत आ भी रही है तो उसका समाधान कौन करेगा, प्रशासन करेगा, है ना। तो इसमें वो बात कही है शासन के आधार पर क्या है शिक्षण का वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। क्रिया के आधार पर अगर हम देखें तो क्रिया आधारित शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से जीवंत शिक्षण व्यवस्था पर वर्गीकृत है। इसमें स्वतंत्रता चरम रूप पर पाई जाती है और अधिगमकर्ता को स्वयं करने का अवसर अन्य वर्गीकृत व्यवस्था के अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखिए इसमें क्या कही गई है, मैंने आपको बात पहले ही बताई है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा कैसे, कैसे होगा जब उन्हें करके सिखाया जाए, उन्हें करके सीखने दिया जाए, तभी तो बच्चे सीखेंगे। इससे क्या है क्लास भी कैसी रहती है, जीवंत रहती है। जीवंत से क्या मतलब है आपका कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं उस कार्य में कि सर हमें क्या होता है, मैम हमें क्या होता है। कोई नई क्रिएटिविटी लाइए, करके दिखाइए बच्चों को और फिर उन्हें करने को दीजिए, तो देखिए बच्चे कैसे जागरूक होते हैं क्लास में। तो यहाँ पर वो बात कही गई कि अच्छा प्रभाव कब पड़ेगा बच्चों पर, जब उनके उन्हें करके सीखने पर जोर दें, हम क्रिया करने दें, उन्हें पहले करके दिखाएं फिर उन्हें करने दें। इससे क्या है उनको कुछ नई चीज़ सीखेंगे, प्लस क्या है उन्हें जल्दी ही वो चीज़ें याद होंगी। ठीक है, अगली वर्गीकरण को देखें तो उद्देश्य के आधार पर, तो इसमें क्या बताया गया है कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है। इनका वर्गीकरण शिक्षण के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों का मूल्यांकन करना है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है,
कि अगर शिक्षण का उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो किसके आधार पर किया जाए, जैसे ब्लूम ने किया था। मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई, कब लाए थे, 1956 में उन्होंने कितने मतलब 3H का नियम प्रतिपादित किया, ठीक है। तो किस किस से संबंधित है, आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र से, भावात्मक क्षेत्र से और मनोसंचालित कार्य क्षेत्र से, यानी कि हार्ट और आपका हैंड था और हेड, है ना। तो ये तीन ही तो थे 3H के नियम। तो उसके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो इससे क्या बच्चा जल्दी सीखेगा, ऐसा किसका कहना है, उद्देश्य के आधार पर इसमें वर्गीकरण करा गया है उनका कहना है। और इसमें क्या क्या किया जाए और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि शिक्षण की अवधारणाओं यानी कि शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं उन्हें बच्चों को कैसे सहज और सरल भाव में सिखाना, ठीक है। जो क्रियाविधि, जो गतिविधि, जो मेथोडोलॉजी अपनाए उसको बताना और सिद्धांतों का मूल्यांकन करना और जिन जिन सिद्धांतों को वो अप्लाई कर रहा है क्लास किस में, क्लास में कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, अब उनसे क्या बच्चों की हमें प्रतिपुष्टि मिल रही है कि बच्चों का क्या फीडबैक हमें मिल रहा है, तभी तो मूल्यांकन करेंगे कि हमने सब चीज़ कर ली। अब बच्चे हमसे कितना सीख रहे हैं, कितना उन पर हमारी बातों का प्रभाव पड़ रहा है ना, फिर उनका मूल्यांकन करना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास में हमने आपको शिक्षण के प्रकार के बारे में बताए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुख्यतः आपके दो ही मेन हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। ये किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, प्रबंधन के आधार पर, ठीक। एक और मैंने आपको बताया था कि निरौपचारिक, कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यतः तीन है निरौपचारिक, लेकिन यहाँ पर यह बात बता दें आपको कि निकला हुआ अंश किसका है, आपके अनौपचारिक का। निरौपचारिक है तो ये ऑनलाइन, उससे जो निरौपचारिक शिक्षा है वो आपके प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इग्नू और जैसे आपको ऑनलाइन टीचिंग जो दी जाती है ना, तो ये उसको प्रदर्शित करती है। लेकिन अंश किसका है, ये अनौपचारिक का। इसके साथ ही स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर कैसे हम शिक्षण का वर्गीकरण कर सकते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, अधिगम के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है ना, तो इसके बारे में भी चर्चा की हमने। शासनिक व्यवस्था के आधार पर कैसे वर्तमान में भारत में प्रशासनिक व्यवस्था पर ही तो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, तो उसके बारे में बताया यहाँ पर। क्रिया के आधार पर कैसे कार्य किया जाए, उद्देश्य के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाए जिससे बच्चों में अच्छा प्रभाव पड़े, तो इन सब बिंदुओं को लेकर हमने क्या यहाँ पर संक्षेप में चर्चा की। जितना हो सके उतना हमने आपको बताया है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।